जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ई चालान को पे करने के लिए, ई ट्रैफिक चालान को पे करने के लिए जिसका PSID नंबर होता है उसको कैसे जनरेट करें। तो PSID नंबर होता है जी पब्लिक सेफ्टी आइडेंटिफिकेशन। तो इस नंबर को कैसे जनरेट करना है जिसके थ्रू हम अपना जो ई चालान है उसको पे कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे आपका एक प्यारा सा सब्सक्राइबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आपने करना क्या है, PSID नंबर जनरेट करने के लिए आपने ई पे पंजाब एक ऐप है जो आप प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है ई पे पंजाब, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें आपने पहले रजिस्टर्ड होना है अपने फ़ोन नंबर से और अपने ईमेल आईडी से। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मैं जस्ट लॉगिन होऊंगा। मैं लॉगिन होने के लिए इधर अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा और इसके बाद पासवर्ड दूंगा और मैं इसे कर लूँगा साइन इन, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। आपको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन हो सकते हैं। चलिए जी साइन इन पर टैप करते हैं। तो ये जी कुछ इसका ऐप का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जी इस तरह ऑप्शंस हैं। तो आपने स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों आपने करना है पंजाब पुलिस को टैप, पंजाब पुलिस को आपने टैप करना है ई चालान को पे करने के लिए। तो जैसे ही आप पंजाब पुलिस को टैप करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक ट्रैफिक चालान का, एक ई चालान का। तो हमें ई चालान हमने पे करना है तो हम ई चालान को टैप करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरह के सामने आएगा। जी दोस्तों, इधर अभी वो कह रहा है जो PSID नंबर हमने जनरेट करना ना, उसके लिए हमें इधर पहले व्हीकल नंबर देना पड़ेगा, जो उसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर नंबर लिखा होता है आपकी गाड़ी का, जो नंबर है वो अपने वो इंटर करना है। तो मैं पहले वो इंटर कर लेता हूँ जी, वो मैं इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद ये या तो अपने अपना CNSC नंबर देना है या अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ दूंगा अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर जी, चेसिस नंबर मैं अपनी गाड़ी का दूंगा जी, ठीक है, मुझे मिल गया है। मैं वो भी इंटर करने लगा हूँ। आपने भी ऐसे ही अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर इंटर करना है या अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है, दोनों में से दोनों ऑप्शन आप एक कर सकते हैं। मैं चेसिस नंबर इंटर कर रहा हूँ जी दोस्तों। ये दोनों जो फील्ड्स हमने ये फिल कर दी हैं, अभी हमने टैप करना है सर्च के ऊपर। सर्च के ऊपर जैसे टैप करते हैं जी, वो डिटेल्स हमें ले आया हमारे चालान की जी। चालान अमाउंट है 500 रुपये। अभी हमने क्या करना है, हमने इसकी डिटेल लेनी है। तो ऊपर सेलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन है, जो बॉक्स बना है, उसको हमने टिक करना है। तो वो नीचे फिर अमाउंट शो कर रहा है, जो अमाउंट ड्यू है वो PKR 500 है। अभी उसके नीचे ग्रीन ऑप्शन है जनरेट चालान, उसके ऊपर टैप करेंगे तो नेक्स्ट हमें वो ये जी वो सारी डिटेल आपके सामने शो कर देगा जी। ये आपके ऊपर PSID नंबर वो आपको शो कर रहा है, ये PSID नंबर है जो अपने ई चालान पे करते हुए जो एंटर करना होता है। तो आप इसे या नोट कर लें या आप ले लें इसका स्क्रीन शॉट। मैं इसका लूँगा स्क्रीन शॉट जी, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लेके आपने उसे सेव कर लेना है। तो दोस्तों ये बहुत इजी था, आप भी इजीली कर सकते हैं। तो जस्ट आपने इसमें ई पंजाब आपने डाउनलोड करके उसमें लॉगिन होके तो आपको ये अपना PSID नंबर जनरेट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद है तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।